So, hello friends, कैसे हैं आप? थोड़ा आराम से बैठ जाता हूँ. सो गुड मॉर्निंग टू यू ऑल. और फिलहाल बहुत दिनों के बाद ये वीडियो डाल रहा हूँ. थोड़ा बिजी चल रहा था या कुछ चल रहा था अपने काम को लेके, तो बहुत दिनों के बाद मैं आया हूँ. तो सोचा था कि अब स्टार्ट करता हूँ. एक आईफोन एक्चुअली बाई की थी मैंने, तो सोचा था कि उसकी रिव्यूज़ दे देता हूँ कैसी हैं क्या हैं. तो स्टार्ट करने के पहले मैं सोचा था कि बता दूँ कि आईफोन बेसिकली होती क्या है, मतलब होती क्या है. तो आपको सबको पता रहेगा काफ़ी सही फ़ोन है वो, बट इंडिया में उसकी प्राइस इतनी एक्सपेंसिव क्यों है. तो मतलब बहुत सारे रीजन्स है, जैसे जापान में या अलग अलग कंट्रीज़ में वो काफ़ी सस्ती है, मतलब कंपैरेटिवली जो इंडिया में है, इंडिया में सबसे एक्सपेंसिव मिलती है मतलब बाकी सब देशों से. तो जस्ट बिकॉज मोदी का एक नया कुछ तो इनिशिएटिव आया था मेक इन इंडिया कैंपेन, तो उन्होंने क्या बोला था कि जो भी प्रोडक्ट्स रहेंगे वो असेंबल होंगे इंडिया के अंदर. तो जो भी मतलब जहाँ आईफोन SE का, तो उनकी मेक इन इंडिया कैंपेन में ये बात हुई थी. तो उनकी मीटिंग भी हुई थी किनके साथ, हाँ एप्पल के CEO के साथ एक मीटिंग हुई थी. तो उन्होंने उसमें डिस्कस किया था कि बैंगलोर में एक सेंटर खोलेंगे जहाँ पर ये सब असेंबल होगा. तो बातें तो चली बट वो अभी तक नहीं आया. तो फिर इसलिए मेक इन इंडिया कैंपेन के ही वजह से उन्होंने क्या किया मोदी जी ने, कि जो रहती है टैक्सेस और वो सब बढ़ा दी काफ़ी, ताकि ये मतलब लोग यहाँ पर ही आके इंडिया में आके उसको असेंबल करवाएं. बट वो वैसा हुआ नहीं है. एप्पल वाले ने क्या कर दिया, जो उनको टैक्सेस एक्स्ट्रा भरने थे वो डायरेक्टली हम लोगों की जेब से ले रहे थे. तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न. देयर आर मैनी अदर रीजन्स टू, सो बहुत सारे हैं मतलब ऐसे, तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न. सो चलिए ठीक है, वो तो बात की बात है कि कॉस्टली है कि नहीं है, जिसको अफोर्ड होता है वो करते हैं, नहीं होता तो नहीं करते हैं, या होता भी है पर जिनको वेस्ट लगता है तो वो नहीं बाय करते, वो एंड्रॉयड प्रीफर करते हैं. नहीं, काफ़ी अच्छे ऑप्शंस भी हैं एंड्रॉयड में, वैसी बात नहीं है. एप्पल तो सिर्फ एक स्टैंडर्ड हो गया है फ़ोन, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए काफ़ी अच्छा है. तो यही था बस. बाकी मैं अभी फ़ोन को ही देख रहा हूँ जो सामने मेरी पड़ी है, अब तो देखते हैं फ़ोन में क्या है, थोड़ा सा अनबॉक्सिंग करते हैं. ठीक है, डुम. सो हाय दोस्तों. सो मैंने ये फ़ोन बेसिकली फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की थी, कुछ तो उनका सेल चल रहा था क्रिसमस का, तो 2018 में ही की थी. फ़ोन एक्चुअली काफ़ी पहले लॉन्च हो गया था, तो मुझे थोड़ा सा आईफोन का क्रेज था, तो सोचा था कि मैं एक बार लेके देखता हूँ कैसा है क्या है. सो ये तो फ़ोन ले लिया मैंने, अब तो अभी फ्लिपकार्ट की है. अब मैं ये बात है कि ये पूरी पैकिंग मैंने अब तक खोली क्यों नहीं है, जस्ट बिकॉज कि आज कल काफ़ी सारे ये चीज़ें होती हैं कि फ़ोन्स के अंदर तुम्हें साबुन मिलता है या कुछ ना कुछ मिलता है. नॉट फॉर एवरी लाइक वंस इन ए ब्लू मून की केस है, 1000 या में से कुछ एक दो फ़ोन्स में होता है, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था. तो उसके लिए ही मैंने फ़ोन अभी तक बॉक्स खोला नहीं है. ये सिर्फ खोली मैंने, बट इसके अंदर का पार्ट जो था वो अभी तक खोला नहीं. तो लेट्स ओपन दिस. ये तो पेपर है, ठीक है छोड़ दो. सो ये बॉक्स को पैकिंग ओके थी इनकी फ्लिपकार्ट वाले की, पीछे फेंक देता हूँ. देन ये कलर आ जाती है काफ़ी सेफ्टी के साथ, ताकि यहाँ वो ख़राब ना हो. बट फिर भी मुझे इतनी भी कंडीशन अच्छी नहीं मिली है, जैसे ऊपर से देख सकते हो कलर इसके बॉक्स के थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है कलर से, वो तो ठीक है, चलो बॉक्स ही है. तो ये आईफोन 6S प्लस मैंने गोल्ड कलर की ली थी, तो इसको ओपन करते हैं. Sexy.
तो जैसे देख सकते पीछे ये फ़ोन है 32 GB का, 32 GB में भी मतलब इसमें वेरिएंट तो काफ़ी सारी आते हैं 32 GB 64 GB, बट अभी के लिए फिलहाल के 32 GB ही अवेलेबल थी, 64 का आई थिंक सो बंद हो चुकी है 6s प्लस, तो मैंने 32 GB वेरिएंट ली है और ये गोल्ड कलर की है, एक मैं दिखा देता हूँ आपको, सेक्सी सो फोन बुक मेमोरी इसमें यस जी हाँ दी गई, इंटरनल स्टोरेज भी इसकी 32 GB है। देन आफ्टर दैट इसमें काफ़ी सारे फीचर्स मतलब मिसिंग भी बोल सकते हो यहाँ कुछ, तो देखते पहले इसके अंदर क्या क्या मिलता है। पहले तो फ़ोन तो हमें ऑब्वियसली मिल ही चुकी है, तो ये ओपन करते हैं, ये क्या है, ओह देन ये शायद से हमारी सिम कार्ड रिमूवल के लिए किट है, सिम कार्ड रिमूवल किट। देन आफ्टर दैट इसमें आपको दिया जा रहा है सिम कार्ड रिमूवल स्लिट है, USB पावर अडाप्टर है, देन ये तो चार्जिंग पोर्ट है। देन आफ्टर दैट हमें मिलती है अपने एप्पल के एयरपॉड्स, ये काफ़ी सेक्सी लगती है मुझे एप्पल के एयरपॉड्स। बाकी तो इसमें गए पैसे मेरे, बस इतने ही थे तो ये मैं अंदर रख देता हूँ फिलहाल के लिए। तो करते हैं फ़ोन की बातें, तो जैसे ये है फ़ोन सिंगल सिम का है, सिंगल सिम ही है फ़ोन ये, और देन देखा जाएगा तो इसका साइज़ पड़ता है कुछ तो 13.97 सेंटीमीटर, और 13.97 सेंटीमीटर 5.5 इंच, 6s प्लस का साइज़ है। अगर हम लोग देखने जाएंगे यही फ़ोन 6s में तो वो 4.9 और समथिंग का साइज़ में मिलेगा। इसकी रेजोल्यूशन स्क्रीन काफ़ी अच्छी है, जैसे 1920 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन है इसकी। देन इसका डिस्प्ले भी HD डिस्प्ले है। एक बार इसको ऑन करते हैं और देखते हैं कि कैसा, ऑन तो हो गई है, आई एम एक्साइटेड। इसमें iOS 9 का आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी मिलेगा, प्रोसेसर इसकी काफ़ी सही है, एप्पल की A964 bit प्रोसेसर है जिसे काफ़ी फास्ट चलेगी, डुअल कोर है। हाय हेलो आईफोन, और प्राइमरी क्लॉक स्पीड 1.84 GHz है। होला हेलो स्पेनिश सब वर्जन आ रही है इसमें। तो बहुत कुछ बता रहे हैं, तो अलग अलग टाइप में हेलो बता रहे हैं। भाई बस कर जा, प्रेस होम, ओह होम ओके, सो ये आ रहा है सेलेक्ट इंग्लिश, सेलेक्ट अ कंट्री, मेरा भारत महान, सो वेयर इज इंडिया, सेटिंग लैंग्वेज, स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगता ही है चीज़ों को, क्विक स्टार्ट, इफ़ यू हैव एन आईफोन और आईपैड रनिंग iOS 11 लेटर बी गेट नियर बट टू साइन इन, इफ यू वांट यू कैन आल्सो सेट अप मैन्युअली, ओके सेट अप मैन्युअली, इंग्लिश इंडिया नेक्स्ट, ओके पासवर्ड जस्ट अ सेकंड, ज्वाइन कर रहा है, वाईफाई भी सेलेक्ट हो गई है, इट मे टेक अ फ्यू मिनट्स टू एक्टिवेट योर आईफोन। सो तो चलिए फ़ोन की बातें करते हैं, फ़ोन तो मुझे काफ़ी बहुत सही लग रहा है, गोल्डन कलर की आई है। देन आफ्टर दैट इसके फीचर्स भी, कैमरा इसकी मैंने सुनी काफ़ी अच्छी है, इसकी जो पिक्सल डेंसिटी है वो भी काफ़ी सही है,
चल पहले आगे चल देते हैं, पिक्सल डेंसिटी की बात कर रहे थे, तो 12 मेगापिक्सल का इसका कैमरा मिल रहा है, सेकेंडरी कैमरा है 5 मेगापिक्सल का, तो इसकी कैमरा भी अभी टेस्ट कर लेंगे हम लोग। पहले एक बार आगे तो जाए, कंटिन्यू सेटअप टच आई डी लेटर अभी हम लोग कर लेते हैं। यही होता है जब एंड्रॉयड वाले इसमें आते हैं तो चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, बट कोई ना। शायद से मेरे फिंगर्स का पूछ तो ले नहीं रहा फिलहाल के लिए, तो ठीक है हम लोग सेटअप टच आईडी बाद में ज्वाइन कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, क्रिएट अ पासकोड, पासकोड क्रिएट करता हूँ मैं। सो अब नेक्स्ट ऑप्शन आ गई है पासकोड क्रिएट करने के बाद कि रिस्टोर करना। जैसे अगर आप कोई आईफोन 5 से आईफोन 6 पे जा रहे हैं या आईफोन 6 से आईफोन 7 पे जा रहे हैं तो आपकी क्लाउड में बहुत सारे डेटा रहेंगे, तो अगर आपको रिस्टोर करना है तो वो पहले दो ऑप्शन से हो सकता है। तो अगर वैसा नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, सेटअप एस न्यू आईफोन, दैट वुड बी ओके फिलहाल के लिए। साइन इन योर एप्पल आईडी और एप्पल, ठीक है ये सब मुझे देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ें हैं, पर फिलहाल के लिए ये सब तो हम लोगों ने देख लिए। तो मैं आपको कैमरे की क्वालिटी थोड़ी देर में बताता हूँ इसकी, तो तब तक के लिए मैं ये सब आईडी सेट करके। सो काफ़ी सारे प्रोसेसर्स का ईमेल आईडी क्रिएट करने के बाद हम लोग पहुँचे हैं, मतलब मैं पहुँचा हूँ यहाँ पर, वेलकम टू आईफोन गेट स्टार्टेड। सो मतलब मैंने एप्पल की आईफोन आईडी क्रिएट की बिकॉज मेरे पास थी नहीं, बिकॉज ये मेरा पहला फ़ोन है। देन आफ्टर दैट काफ़ी सारी चीज़ें थी, जैसे पासवर्ड सिक्योर रखेगा और भी काफ़ी सीधे चीज़ें, जैसे हम लोग अपना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर करवा सकते हैं जो एनक्रिप्टेड होगा, जो एप्पल को भी नहीं पता होगा कि क्या है। एंड हियर वी आर फाइनली, ये क्या बोल रहे हैं, अलाउ वेदर टू एक्सेस योर लोकेशन, ओके सो सेटिंग्स। आपको अच्छा कैमरा दिखाना था पहले, तो कैमरा हमारी यहाँ पर है, तो इसको अलाउ कर देते हैं। तो नॉर्मल सी पिक्चर निकाल के देखते हैं आपको अगर समझे तो, नहीं तो ऐसे नॉर्मल यहाँ पर चीज़ अच्छा से ठीक है, फोटो ले लेते हैं इसकी। या तो हम एक और चीज़ कर सकते हैं, मैं सेल्फी ले लेता हूँ, कैमरा की क्वालिटी तो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, देखने से तो पता ही चल रहा है अच्छा। और काफ़ी सारे फीचर्स है इसमें, स्लो मो भी है हम लोग, मतलब स्लो मो भी है इसमें, वो भी कर सकते हैं, टाइम लैप्स भी है, देन वीडियो भी है, फोटो भी है, स्क्वायर का भी है, लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं। सो मतलब आईफोन इसी के लिए तो जाना जाता है, कैमरास के लिए। सो फ़ोन तो मुझे दिखने में काफ़ी अच्छे, थोड़ा सा बस है बल्कि लग रहा है मुझे ये फ़ोन, तो बाकी ओवरऑल फ़ोन काफ़ी सही है। चलो इसे लॉक कर देते हैं और ये गई नीचे, एंटर पासवर्ड पूछ रहे हैं, गुड, पासवर्ड तो नहीं बता रहा किसी को। तो फाइनली ये फ़ोन का रिव्यू ये था, और ऐसे ही आगे भी अपडेट्स आते रहे, अभी बस 6S प्लस आई है, फिर देखते 7 या कुछ, या तो अभी तो आईफोन एक्स की मैंने रेट भी देखी थी तो वो तो 1 लाख के ऊपर की थी, तो मैं नहीं अफोर्ड कर पाऊँगा फ्रेंकली स्पीकिंग, तो मैंने ये ले ली। देखते हैं अभी कैसी चलती है, क्या चलती है। तो गाइस
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें वीडियो को, ठीक है। चलिए फिर अलविदा, बाय, टेक केयर।